जो एक एप्लीकेशन लेकर आते हैं कि हम बीमार थे। बीमारी हमें क्यों होती है? जब हम खाना खाते हैं तो हमें कौन सी चीज़ पसंद आती है? पहले जब हम खाना खाते थे तो हम सुबह उठते ही पहले दूध मांगते थे, अब क्या मांगते हैं बता सकते हैं? अब दूध को बताते हैं हम कि इसमें तो स्मेल आती है, दूध में हमें स्मेल आती है, और अगर हमें कोल्ड ड्रिंक मिल जाए या ड्रिंक मिल जाए सुबह को, या हमें रखा हुआ घर में जूस मिल जाए जो पैकेट्स में आता है, अगर वो मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सुबह खाने में भी हम क्या खाना चाहते हैं? मैगी मिल जाए, चाउमीन मिल जाए, पिछले दिन का रखा हुआ बर्गर मिल जाए, और पिज़्ज़ा मिल जाए तो और भी अच्छी बात है। अगर रोटी मिल जाती है अच्छे से और सब्ज़ी अच्छी मिलती है ताज़ी, तो हम खाना पसंद नहीं करते, हम कहते हैं भूख नहीं है। जब हम अपने माता पिता को बोलते हैं भूख नहीं है, तो बेचारे मजबूर होकर अगले दिन फिर आपको फास्ट फूड देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो आपको खुश देखना चाहते हैं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जिस चीज़ में हम आपको खुश देखना चाहते हैं वो आपके लिए खुशी नहीं देता, वो आपको बर्बाद करता है, हेल्थ बर्बाद करता है। तो अगर स्वस्थ रहना है तो अपनी फूड हैबिट्स बदलनी पड़ेंगी। ध्यान रखिए, कुछ बच्चे सुबह सुबह बिना खाए आ जाते हैं। जो बच्चा स्कूल में बिना खाए आएगा और 5-6 घंटे अगर स्कूल में बिना खाए रहेगा, तो क्या वो हेल्दी रह सकता है? वो कभी हेल्दी नहीं रहेगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि सुबह कम से कम 1 गिलास दूध पीकर आएं, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट लेकर आएं, और स्कूल में टिफ़िन लेकर आएं, और टिफ़िन में भी हमारे जो फूड होना चाहिए वो हेल्दी फूड होना चाहिए। अगर हम एक फ्रूट ले सकते हैं तो अच्छा है, और फ्रूट्स में भी अगर एप्पल मिल जाए तो सबसे बढ़िया बात है। ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि अगर एक एप्पल हम रोज़ खाएं तो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। कितना हेल्दी फूड होता है। बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो सीजनल फ्रूट्स होते हैं, जिनका आनंद आप ले सकते हैं, जिन्हें खा सकते हैं और हेल्दी भी रह सकते हैं। अगर आप रोज़ बीमार पड़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपका खान पान सही नहीं है। तो जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, सुना आपने? तो अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, हेल्दी फूड खाएंगे, तो हम जो है अच्छा मन रहेगा, और मन अच्छा होगा तो पढ़ाई भी अच्छी होगी। इसलिए कोशिश करिए कि टेस्टी फूड की ज़रूरत नहीं है, हमें हेल्दी फूड की ज़रूरत है। हमें सलाद भी लेना है खाने में, और बहुत तला हुआ खाना नहीं खाना है। तला हुआ खाना पसंद ज़रूर आता है, बहुत अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है, लेकिन तले हुए खाने में जो केमिकल्स होते हैं, जो उसमें जल जाता है, वो कैंसर भी बनाता है। तो इसलिए ध्यान रखिए, बहुत तला भुना खाना नहीं खाना है, हमें हेल्दी फूड खाने हैं। हमें सब्ज़ी ऐसी खानी है जिसमें सीजनल सब्जियां हों, जो अच्छी सब्जी हों, हमें पसंद आए या ना आए, लेकिन खाना हमें मिक्स होकर ही खाना है, ताकि हम हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, बहुत अच्छा पढ़ पाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि विश्व स्वास्थ्य दिवस पर ये प्रतिज्ञा लेंगे कि हम बिल्कुल भी जंक फूड का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी एक बच्चे ने बताया कि उसमें केमिकल होता है। आप जानते हैं केमिकल होता है? क्योंकि जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो प्रिजर्व करते हैं उसको, जो सुरक्षित रखते हैं, जब आप खाएंगे तो वो आपके पेट में भी जाएंगे ना, और जब वो पेट के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, वो वहाँ भी उसको प्रिजर्व रखने की कोशिश करेंगे, तो वो पचेगा नहीं, और जब पचेगा नहीं तो क्या होता है, पेट में दर्द होता है, दूसरी बीमारी होती है, उसका जो रेजिड्यू बच जाता है, जो बची हुई चीज़ें होती हैं, वो पेट में अल्सर भी पैदा करते हैं, वो आपको कैंसर की भी बीमारी दे देती हैं। आजकल आपने सुना होगा बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको 15, 16, 18, 20 या 21 साल में हार्ट अटैक आ जाता है। कभी आपने जाना है कि इतने बच्चों को इतनी एज में हार्ट अटैक हो, हार्ट की बीमारी हो जाती है। बहुत सारे ऐसी बीमारी हम ले लेते हैं जिनका हमसे संबंध नहीं होना चाहिए। ये बीमारियां तो बहुत एज के बाद आती थी, और आजकल तो बहुत यंग एज में आ रही हैं। इसका कारण क्या है कि हमने अपना खान पान बदल लिया, हमने अपना रहन सहन बदल लिया। हम सुबह नहाना भी पसंद नहीं करते हैं, पसंद हो या ना हो, लेकिन हमें नहाना तो चाहिए ना। हमें अपने कपड़े साफ स्वच्छ होने चाहिए, सुंदर कपड़े हो ना हो, लेकिन साफ स्वच्छ हों।
अपने हाथ को हम धोते रहें ताकि कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर ना पहुंच पाए। अपने दोस्तों के पास रहें लेकिन हाथ ना मिलाएं। क्यों जरूरी होता है हाथ ना मिलाना? क्योंकि जो उनके पास वायरस होते हैं या जो उनके पास जो हाथ में गंदगी होती है वो आपके साथ आ जाती है हाथ मिलाने से। तो अच्छा होगा कि हम हेलो हाय करें, सबसे बात करें, लेकिन थोड़ा सा अपनी स्वच्छता पर भी ध्यान दें और अपने घर के आसपास भी स्वच्छ रखें, क्योंकि ये बैक्टीरिया कोई किसी की बाउंड्री में बंधे हुए नहीं है, आपके दरवाजे से नहीं आएंगे ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी गंदगी को सड़क पे फेंक देंगे या आसपास में गंदगी फैलाएंगे तो ध्यान रखिए वो आप ही के घर में पहुंच जाएंगे। तो इसलिए हमें अपना घर भी साफ स्वच्छ रखना है, जहां पर हम बैठे वो भी साफ स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे बिस्तर के पास ही जो नीचे सब जगह है उसमें क्या करते हैं हम, सारी वेस्ट चीज़ें कागज फाड़ कर फेंक दिया, जो चीज़ें हैं वो भी फेंक दी। तो हमारा जो बेड होता है उसके नीचे क्या होता है, पूरा का पूरा ये स्टोर बन जाता है ना। तो स्वच्छता कैसे होगी, जहाँ हम सोते हैं जहाँ हम रहते हैं उसको भी साफ स्वच्छ रखना है। तो हम अपनी पर्सनल हाइजीन पर अगर ध्यान देंगे, अपने खान पान पर अगर ध्यान देंगे तो आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी किसी डॉक्टर के पास आपको जाना नहीं पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विश्व स्वास्थ्य दिवस पर आप कम से कम यह शपथ लें कि मैं हेल्दी खाना खाऊंगा, अपने आप को स्वच्छ रखूंगा, अपने आसपास को स्वच्छ रखूंगा और कभी भी अपने गंदगी को बढ़ावा नहीं दूंगा। और हम स्वच्छ रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे तो ये विद्यालय भी स्वस्थ रहेगा, ये आपका जो स्टेट है वो भी स्वच्छ रहेगा और स्वस्थ रहेगा और हमारा पूरा देश इस तरह से स्वस्थ बन सकता है। तो हम स्वस्थ विद्यालय की कल्पना कर सकते हैं यदि आप सब स्वस्थ होंगे, और स्वस्थ होंगे तो पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी, रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। मैं इन सब बच्चों को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जिन्होंने आपको एक मैसेज दिया। वो छोटे बच्चे थे लेकिन उन्होंने मैसेज बहुत बड़ा दिया। आप जंक फूड से बचें और बिल्कुल बचें, अगर हो सके तो उसको बाय बाय कर दें, कभी ना खाएं। जंक फूड और फास्ट फूड हमारी हेल्थ के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। तो आप सभी को विश्व स्वास्थ्य दिवस की शुभकामनाएं। थैंक यू।